मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि पहले की बात है, करीब एक वीक पहले की, ठीक है, जब लाइट पास नहीं आया था। तो यहाँ पे देखो गाइस, वो बंदा घर के अंदर ही रह गया, ये बाहर निकल के चला आया। तो यानी कितना मतलब कीमती हैक्स, देखो हेडशॉट मतलब कीमती हैक है गाइस। नहीं नहीं नहीं, गाली मत दो, लड़की है, कोई बात नहीं। अबे तू क्या गाली देगा, हरामखोर साले, कुत्ते कुत्ते हो कुत्ते। अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज लड़की हो यार तुमको। अरे मैडम जी सुनो, एक बात बताता हूँ आपको, अपना हैक पे बहुत मतलब घमंड है ना, तो चलो आज एक काम करते हैं, वन वर्सेस वन खेलेंगे आपके साथ। भाई साहब पीछे है बंदा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा पीट देने। ओ भाई सब क्या जो सोचा था वही हुआ, थोड़ा सा। तो गाइस तुम्हारा मामू देगा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स फिर से। तो चलो गाइस देखो, इसे ऑल मार के जाओगे और उसके पास क्लोज में थोड़ा सा रेंज में लेना के ट्राई करना, ठीक है? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल मतलब मिड रेंज, और नल्ले कहा है बोल के उसका खोपड़ी एकदम उड़ा देना है। तुम्हारा मामू आ चुका है फिर से तुम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देने। अच्छा, वो भी हैकर मारने का। तो गाइस इस बार तुम लोगों को दूंगा सस्ता निंजा टेक्निक, एक गोली में ही तुम लोग हैकर को मार सकते हो। कुछ नहीं करना है, सामने सिर्फ ऑल लगा के जाना है, क्योंकि बंदा सामने से ही आएगा और उसका पिछवाड़ा पूरा मार देना है। अरे मेरे तो लग गए। मुन्नी कहाँ गई तू? मुन्नी दिखा खोपड़ी, ऐसे जाएगा ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंसो के बारे में, जहाँ पे आप लोग 70 प्लस गेम खेल के जीत सकते हो बहुत सारा इनाम हर दिन। इधर आप विंसो पूल, क्रिकेट चैंपियनशिप एंड बास्केटबॉल जैसे गेम खेल सकते हो। विंसो पे आप फ्री फायर के कस्टम टूर्नामेंट फाइनली लाइव हो चुके हैं और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने खेलना भी शुरू कर दिया है। और हाँ, यहाँ पे फ्री टूर्नामेंट्स भी होते हैं और पेड टूर्नामेंट्स भी होते हैं, लेकिन पेड टूर्नामेंट्स में एक किल करने पे 20 रुपया मिलने के चांसेस होते हैं, और अगर आप दो किल करते हो तो आपका पूरा पैसा वसूल। तो खेलिए जरूर, और हाँ विंसो से ही आप लोग डायमंड खरीदे, क्योंकि इसके अलावा आपको और कहीं भी सस्ता दामों में नहीं मिलेगा। और विंसो में विंसो वॉलेट है, तो जिस पर आप लोग अपना पूरा जीता हुआ पैसे को विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम यूपीआई बैंक अकाउंट में। तो जल्दी से जाओ जाकर डाउनलोड करो, लेकिन डिस्क्रिप्शन अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो गाइस एक कुछ दिन पहले की बात है, हम और शिवम भाई गए थे इसे डुओ खेलने मजे के लिए रैंक मैच में, और उसी बीच हम लोगों को ये दोनों ने मार दिया। और अच्छा बंदा है, और दोनों के दोनों ग्रैंड मास्टर में भी है, ठीक है, मतलब इतना खतरनाक हैकर क्या बोलूं। ये लोग घर के अंदर भी जा सकता है, पत्थर के अंदर भी घुस सकता है, दीवार के आर पार भी जा सकता है, और साथ में हेडशॉट भी है इन लोगों के पास। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया कि इन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट दोनों के दोनों को ही सेंड कर दिया था उस टाइम ही, कि जब ये आएगा तो इसको हम थोड़ा पूछेंगे कि क्यों ऐसे करते हो। देखो गाइस पत्थर के अंदर भी घुस गया, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि शिवम भाई उस टाइम रैंक पुश कर रहा था और मेरा भी स्कोर अच्छा खासा था, क्योंकि ये कुछ दिन पहले की बात है, करीब एक वीक पहले की, ठीक है, जब ये लाइट पास नहीं आया था। तो यहाँ पे देखो गाइस, वो बंदा घर के अंदर ही रह गया, ये बाहर निकल के चला आया। तो यानी कितना मतलब कीमती हैक्स, देखो हेडशॉट मतलब कीमती हैक है गाइस, ये सब मतलब ये सस्ता मस्ता हैक नहीं है। और ये देखो गाइज, आपको सिर्फ हेडशॉट ही हेडशॉट मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये दामी हैक है। और गाइज सबसे मजेदार बात है कि एक लड़की है, और लड़की होके हैक यूज कर रही थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो मैंने इन लोगों को बार बार ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था बाद में भी, तो लेकिन इन लोगों ने कभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कल रात को मैंने फिर से ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड किया तो एक्सेप्ट कर लिया, और आगे क्या घटना घटी आप लोग खुद देखो। A few moments later. तो गाइस कल रात की बात है, मैंने देखा कि ये ऑनलाइन है, जब भी देखता हूँ मैं रिकॉर्डिंग ऑन ही कर देता हूँ, लेकिन ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कल रात को भी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और इसको ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। फिर आगे क्या हुआ देखो। ओ भाई साहब घू गेमिंग भाई, बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ प्रभु जी, मतलब क्या ही बोलूं, आज कब से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था, आप तो एक बार भी नहीं लिया। हेलो भाई, माइक ऑन कर भाई। नहीं ग्रैंड मास्टर का प्लेयर है तो भाई ऐसे एटीट्यूड दिखाएगा क्या ब्रदर, वो भी हैक करके खेल के, गजब। अबे साले तू कौन है बे, मुझे सजेशन देने वाला, अब मैं हैक लगा के खेलूं या कुछ भी लगा खेलूं, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। ओ भाई साहब लड़की हो क्या भाई साहब, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि एक लड़की हैकर। मानना पड़ेगा मैडम जी, एक बात बताता हूँ आपको, देखो मैं आपके साथ प्यार से बात कर रहा हूँ, आपको समझा रही हूँ। देखो उस दिन हम लोग भी ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे थे, ठीक है, मेरा थोड़ा सा ही बाकी था मतलब ग्रैंड मास्टर मारने के लिए, लेकिन आपने मेरा बहुत ज़्यादा माइनस कर दिया, ठीक है। हम और मेरा एक दोस्त खेल रहे थे, ठीक है, ये देखो ये वाला दोस्त खेल रहा था, ठीक है, तो आपने इतना तगड़ा माइनस किया कि दोबारा और ग्रैंड मास्टर पुश करने की मतलब इच्छा ही नहीं हुआ हम लोगों का। क्या हुआ राहुल भाई, ये कौन है?
अरे यार मत बोलो यार, उस दिन तुम्हारा आईडी त्यागी भाई लिया था ना, तो त्यागी भाई हम खेल रहे थे, ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे थे, और इसकी वजह से भाई बहुत तगड़ा माइनस गिरा था हम लोगों का, क्या ही बोलू। ये हैकर है क्या? हाँ भाई ये हैकर है, और ये पहले भाई ये गिल्ड भी चेंज कर दिया, ये था टीम माफिया के गिल्ड में, अभी देख रहा हूँ कि भाई टीम राजपूत के गिल्ड। अरे राहुल भाई उसके गिल्ड लीडर को पता लग गया होगा तभी लात मार के निकाला है। अब सालो सुनो, मुझे किसी ने गिल्ड से नहीं निकाला है, ठीक है, मैं खुद वहाँ से निकली हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, ठीक है, वरना दोनों को ना लात मार के निकाल दूंगी। अरे मैडम जी ज्यादा गाली वाली मत दो, ठीक है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। अरे राहुल भाई ये तो गाली दे रही है यार आपको, इस वजह से मैं चुप बैठा हूँ, वरना तो मैं गाली वाली दे देता। नहीं नहीं गाली मत दो लड़की है, कोई बात नहीं। तू क्या गाली देगा हराम खोर साले, कुत्ते कुत्ते हो कुत्ते। अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज लड़की हो यार, तुमको हम लोग कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब कुछ भी बोलोगे क्या? कुछ भी। देखो मैंने तुमको फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया ऑलरेडी, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं तुम जैसे लड़की को रखने में, ठीक है। अबे साले तू क्या निकालेगा, मैं निकाल देती 2 मिनट में तुझे भी फ्रेंड लिस्ट से। अच्छा तब आप एक बात बताओ, आपका लेवल इतना कम है, आप मतलब ग्रैंड मास्टर कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी? आप सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन के आंसर दे दो। अबे 3500 का हैक लेके रखा है अपने बॉयफ्रेंड को ग्रैंड मास्टर ले जाने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा मतलब इतना गर्व से बोल रही हो कि लग रहा है कि भाई तुम एकदम पूरा देश का नाम रोशन कर दिया, फ्री फायर का नाम रोशन कर दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अरे राहुल भाई छोड़ो फालतू लड़की के क्या मुँह लगना, आओ तुम में चलते हैं खेलते हैं ग्रुप में। अबे सारे फालतू लड़की किसको बोल रहे थे कुत्ते, अबे सारे चल निकल दोनों के दोनों यहाँ से, गजब बेइज्जती है। अरे मैडम जी सुनो एक बात बताता हूँ, आपको अपना हैक पे बहुत मतलब घमंड है ना, तो चलो आज एक काम करते हैं, 1v1 खेलेंगे आपके साथ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। हाँ राहुल भाई बहुत मजा आएगा, तुमने तो पहले भी हैकर को मारा, इसको भी मारना। अबे तू 1v1 करेगा मेरे साथ? हाँ लेकिन हाँ इसमें एक रूल्स है, ठीक है, तुम टेलीपोर्ट करके ग्लूवल के अंदर नहीं आ सकते, और दूसरी बात तुम ग्रेनाइट मतलब कुक करके नहीं मार सकती पहले ही निकलने से पहले ही, और तुम तीसरी बात ऊपर जैसे उड़ जाता है ना हवा में उड़ के नहीं मार सकती, दम है तो आ जाओ, ऐसे नॉर्मल खेलेंगे 1v1, तुम चाहे हेडशॉट हैक लगा के खेलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम हेडशॉट से मेरे को मारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम वो सब नहीं कर पाओगे, करोगे क्या बोलो? अबे चल करूंगी करूंगी। अरे राहुल भाई मैं बनाता हूँ कस्टम, मेरे को भी लाइव देखना है इस बार। अरे कोई बात नहीं सुनो, इसको फ्रेंड लिस्ट में सबसे पहले ले लो तुम। हाँ मैंने इसको फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया था उस टाइम गुस्से में। ठीक है राहुल भाई लेता हूँ और मैं कस्टम बनाता हूँ, आ जाओ। ओके अरे हाँ चलो चलो। टपा टप टपा टप टपा टप। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो लड़की ने पंगा लेके बहुत बड़ा गलती कर दिया, उसको ये मालूम नहीं कि किसके साथ तूने पंगा लिया। मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई कलवा तेरे लिए। गाइस अभी देखो तुम्हारा मामू देगा टिप्स एंड ट्रिक्स हैकर मारने की, गाइस करीब 4-5 हज़ार वॉल लगा दो उसके सामने, मुंडी बिल्कुल भी नहीं 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 दिखाने का, नहीं तो बिना टिकट के ससुराल भेज देगी। मुन्नी मुन्नी आजा दिखा खोपड़ी, तेरे को बिना टिकट के ससुराल भेजता हूँ अभी। अरे भाई सर, ओ भाई बस हवा निकल गई, ये क्या था भाई साहब, क्या मारा लड़की ने भाई, पिछवाड़ा तोड़ दिया। तो कोई बात नहीं गाइज, हमको मारा नल्ली, रुक अभी हम संभाल के खेलेंगे, बिल्कुल भी पिक नहीं देंगे, उस बार जो गलती किया था ना इस बार नहीं करेंगे। चल झूठा, अभी सिर्फ हम ऑल के पिछवाड़े में चिपक के रहेंगे गाइज। तो गाइज अभी तुम्हारा मामू देगा फिर से तुम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स हैकर मारने का, तो गाइज देखो एकदम सिर नहीं दिखाने का, एक गोली मारो ऑल मारो, एक गोली मारो ऑल मारो, तो गाइज इसे पीछे आ जाना और उसका वेट करना कि वो कब बाहर निकले। ये देखो बाहर निकला है अभी, ए भाई सब क्या ही मार दिए इससे, सब खोपड़ी तोड़ देगा अभी। तो गाइस लड़की बहुत ही अच्छी खेलती है क्योंकि उसका ऑल स्पीड देख के पता चलता है कि अच्छा प्लेयर है, फिर भी वो मतलब अपना बॉयफ्रेंड का रैंक पुश करवाने के लिए कुछ भी करेगी। हाँ चड्ढा समझाओ इसे, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। तो कुछ भी करेगी तो मुंडी दिखा। ओ भाई सपने ही लगा अभी, मेरे को सीरियसली बहुत डर लगता है, मतलब हेडशॉट है ना तो भाई थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा भाई, 2 शॉट मिस हुआ मेरे को लगता है और एक बार देखना पड़ेगा। तो कहाँ है खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ अभी जाएगा देखना अभी। ओ भाई सब नहीं गया, मैं पीछे से निकल जाता हूँ, सेफली खेलना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। तो मुन्नी कहाँ गई तू, मुन्नी दिखा खोपड़ी, ऐसे जाएगा ऊपर, अरे कलवा से पंगा हो जाएगा क्या, नहीं बोलूंगा।
तो क्या सोचे थे हम नल्ले हैं? हम भारी मिस्टेक हो गया सर। हम कैसे मार दोगे? हाँ गाइस, ये सोचा था कि हम मतलब खोपड़ी दिखाएंगे और खोपड़ी लाल कर देगा, हम ग्लूवाल से निकलेंगे ही नहीं। कैसे मारोगे तुम? तुम्हारे पास सिर्फ हेडशॉट हैक है तो क्या हुआ, मेरे पास दिमाग है। भाई सब पीछे है बंदा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा पिक देने। ओ भाई सब क्या जो सोचा था वही हुआ, थोड़ा सा पिक दिया और सब रेड नंबर दे दिया उसको। मजा आया खतप्रीत। तो गाइस तुम्हारा मामू देगा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स फिर से। तो चलो गाइस देखो, इसे ऑल मार के जाओगे और उसके पास क्लोज में थोड़ा सा रेंज में लेना के ट्राई करना, ठीक है? हमाल में तेरे बाप को मत सिखा, चल। मतलब मिड रेंज, और नल्ले कहा है बोल के उसका खोपड़ी एकदम उड़ा देना है। ओ भाई साहब क्या हो गया ये, भाई हम उड़ाने वाले थे उसने उड़ा दिया। कोई बात नहीं गाइस, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा हम डरते हैं क्या? मुन्नी आजा, अब दिखाऊंगा तेरे को औकात। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? अरे यार फिर से मार दिया। Few moments later. तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े गेम में से छोटी मोटी बात होती रहती है। नहीं है ना गाइस? तो गाइस अभी हम लोग एकदम क्या बोलूं, धीरे से आराम से खेलेंगे एकदम चालाकी के साथ, क्योंकि भाई हैकर के पास भाई AWM से एक गोली मार रहा है तो भाई हम ससुराल चला जा रहे हैं। इस बार भाई रिक्स लेने का ही नहीं, भाई मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है। एकदम शांति से आराम से बैठ के खेलूंगा, और इस बार तुम लोगों को भाई टिप्स नहीं दूंगा। टिप्स देने जा रहा हूं तो साला ससुराल भेज दे रहा है मेरे को इस बार। अरे भाई 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 पूरा डैमेज है भाई, एक गोली का भाई साहब, इसको स्काइलर देता हूँ। ओ भाई साहब क्या ही मार दिया, मतलब चीटिंग तो हमने नहीं किया, स्काइलर से उड़ा दिया, क्या ही बोलू क्या बोलू रे। तो गाइस तुम्हारा मामू आ चुका है फिर से तुम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देने। अच्छा वो भी हैकर मारने का। तो गाइस इस बार तुम लोगों को दूंगा सस्ता निंजा टेक्निक, एक गोली में ही तुम लोग हैकर को मार सकते हो। कुछ नहीं करना है, सामने सिर्फ ऑल लगा के जाना है, क्योंकि बंदा सामने से ही आएगा और उसका पिछवाड़ा पूरा मार देना है। अरे भाई साहब मेरे तो एल लग गए, उसने तो मेरा ही पिछवाड़ा मार दिया यार, ये लड़की पीछे से घूम के आके मार रही है यार, गजब। बहुत हो गया नौटंकी, बस हो गया अभी, बस हो गया, अब खाली करते हैं लड़की का पानी का टंकी। गाइस बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा, मेरा बदले की आग जल रहा है, क्योंकि वो पीछे से आया, राइट साइड से आया, कुछ भी करती है यार। इस बार मैं पीकी नहीं दूंगा, इस बार सामने है, मैंने देख लिया उसको, सामने है तू, सामने ही रहेगी, इधर पीक देगी तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। अरे भाई साहब क्यों मिस गया यार, लगा नहीं, रुको गाइस। अरे भाई फिर से उसको मुंडी दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसका ऑटो एम है ना, सामने है तो क्या हुआ, बच जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई साहब लाग क्यों नहीं रहा है यार, पीछे से घूम के जाऊंगा इस बार, हम तुम नहीं मुन्नी, इस बार हम पीछे से जाके मारूंगा। अरे भाई साहब कब आ गए भाई, 100% टेलीपोर्ट यूज किया है यार, चीटिंग करता है ये लड़की। आई एम सॉरी बाबू। बहुत हो गया गाइस नौटंकी, बहुत देर से देख रहा हूँ गाइस, इस बार हमको चालाकी के साथ खेलना पड़ेगा। अच्छा सामने से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, नहीं तो खोपड़ी उड़ा देगा वो, इसलिए मैं डर भी लग रहा है यार बहुत ज्यादा। सीरियसली अभी मुंडी दिखा और तेरे को देख अभी ससुराल भेजता हूँ बिना टिकट के, क्लोज में फाइट लूंगा इस बार। मुंडी दिखा, अरे भाई सब बॉडी शॉट लग रहा है, क्यों पता नहीं यार, डर की वजह से शायद लगता है मेरे को। सह लेंगे थोड़ा सा, इस बार इसको दिखाता हूँ, शायद मेडिकिट मार रहा होगा वो, स्काइलर मारता हूँ। अरे ओ भाई सब ओपी हेडशॉट, मेरा सक्सेस ही निकला भाई, मजा आ गया मजा आ गया। तो गाइस फिर से वही जगह दे दिया, और मैं गाइस इस बार रिक्स लूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि दो राउंड ही बाकी है, दो राउंड मुझे आराम से निकालना पड़ेगा। इसके सामने डबल AWM चला रहा है क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, इसको पीक बिल्कुल भी नहीं देना है, वो खुले में है गाइस, खुले में मेरे को मतलब आने के लिए न्योता दे रहा है वो, कि भाई मैं थोड़ा सा भी मुंडी दिखाऊं ना तो हेड ही मार देगा पक्का। इसके साथ रिक्स नहीं लेना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वॉल मारूंगा। आजा मुंडी दिखा, मेरे पाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ, तेरे को भेजूंगा ससुराल। कहाँ है नल्ले? ओ भाई साहब खुले में तो हैक मारेगा, खुले में। ओ भाई साहब क्या ही मार दिया, खुले में हैक नहीं मारने का, अपन का ईगो को हार्ट नहीं करने का बिलू। ओके तो गाइस बहुत हो गया मस्ती मजा का, भी सीरियसली खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया था मेरे को और मेरा दोस्त को। इस बार भाई बदले की आग जल रहा है मेरे सीने में, अभी पीछे से ना आ जाए फिर से मारने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सामने ऑल लगा हुआ है, मैंने देख लिया, उस बार मैं अभी समझा टेलीपोर्ट यूज़ करके आया था। रुक नल्ली, अरे भाई सब गोली नहीं लगा,
कोई बात नहीं, मैं पीक नहीं दूंगा, वो अच्छा एम करके बैठी है कि मैं पीक दूंगा और मेरे को मारेगी रुक। अरे भाई साला स्काइलर मार के भी नहीं मार पाया, लेकिन पूरा डैमेज है गाइस, पूरा डैमेज है, सच बताता हूँ। एक हेड लगा है, अभी उसको वॉल तोड़ के मारूँ क्या? पैक कर लिया, अच्छा पैक कर लिया, रुक तेरे को वॉल तोड़ के मारता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसके पास ए डब्ल्यू एम है गाइस, रिक्स लेने का नहीं बिड़ू, इस बार रिक्स ले लेगा नहीं, एक काम करता हूँ। अभी इधर से तू आएगी तो ऊपर चले जाएगी मुन्नी, मुन्नी तू कहाँ है, एक बार खोपड़ी दिखा, मैं ऊपर जाता हूँ गाइज, ऊपर रिक्स लेने का ही नहीं गाइज। ओ भाई साहब क्या ही शॉट मारा, ये टेलीपोर्ट यूज करके फिर से आ गया था भाई, मजा आ गया, क्या ही अनचा बोलते बीड़ू, इसको मेरे साथ पंगा नहीं मैडम जी। तो गाइज इसको अभी दिखाऊंगा औकात, बहुत गाली दिया था ना तूने, रुक। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो यार गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि तुम्हारा मामू तुम लोगों के लिए कितना मेहनत करता है, तो यार प्लीज़ यार गाइस। A few moments later। अरे राहुल भाई क्या मस्त खेले, मजा आ गया, हैकर की तो ऐसी तैसी कर दी तुमने। अरे भाई थैंक यू। अरे शिवम भाई उसको बुलाओ ना यार, वो हैकर को तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में है ना। अरे राहुल भाई वो तो ग्रुप में है यार। अरे शिवम भाई चलो उसके ग्रुप में चलते हैं। और पता है शिवम भाई वो ऐसा हैकर है ना, वो रैंक भी हैक कर लिया, मतलब ग्रैंड मास्टर गया भी नहीं फिर भी उसको ग्रैंड मास्टर दिखा रहा है, गजब। अरे राहुल भाई 3500 रुपए का जो हैक है ना उसमें सब कुछ होता है। अच्छा सब कुछ होता है, तो चलो भाई उसके ग्रुप में चलते हैं। तो चलो गाइस बहुत फटर फटर कर रही थी लड़की, ज्वाइन रिक्वेस्ट डालते हैं। कैसा लगा मैडम जी? अरे मेरा नेट नहीं चल रहा था इसलिए तुमने मार दिया, वरना तो तुम एक राउंड भी नहीं मार पाते। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इतना अकड़ अभी तक टूटी नहीं क्या? अरे ऐसे क्यों नहीं बोलते, राहुल भाई ने बढ़िया मारा तुमको, हैक लगा के भी नहीं जीत पाई, हारने में कौन सी शर्मिंदगी। चलो और मैच खेलते हैं, एक मैच और खेलते हैं। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है बार बार खेलने की, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम जैसे खराब लड़कियों के साथ इतना मैच खेलूं, उतना टाइम भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा इतना घमंड था इसलिए मैं खेलने आया, नहीं तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं करता मैं। गजब बेइज्जती है। तो मैडम जी आपके लिए एक शायरी है हमारे तरफ से, हमारे आते ही सब बजाते हैं तालियां, ठीक है मैडम जी, हमारे आते ही सब बजाते हैं तालियां और आप तो दे रही थी हम लोगों को गालियां। वाह वाह राहुल भाई मौज बांधी। अरे तुमको पता भी है ये कौन है? 7.5 लाख सब्सक्राइबर है उस बंदे का, वो तुमको तमीज से बात कर रहा है, तुम गालियां दे रही हो उसको। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जाके एक बार राहुल गेमिंग सर्च करो, तुमको भी पता लग जाएगा। अरे छोड़ो ना यार भाई, क्या है उसमें, क्या है चैनल का नाम? अरे मैडम जी मेरे में ये तो लिखा हुआ है ना, राहुल गेमिंग, अब जाके एक बार सर्च कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। अरे मेरी फर्स्ट अकाउंट से रिक्वेस्ट लोगे क्या? धन्यवाद मैडम जी, लेकिन आपका रिक्वेस्ट मैं इस बार नहीं ले सकता, क्योंकि मैं सबका रिक्वेस्ट लेता हूँ, जो भी मतलब मित्र हो शत्रु हो लेता हूँ, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही बात कर दी, अगर मैं आपका रिक्वेस्ट ले लूँ ना तो मेरे नजरों में मैं खुद ही गिर जाऊंगा, सेल्फ रेस्पेक्ट चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं ले सकता। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, हम लोग चलते हैं। तो गाइस ये शिवम भाई का चैनल है त्यागी गेमिंग, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, और सबसे बड़ी बात इस भाई ने मेरे लिए लड़की के साथ फाइट किया, और यही दोस्त होता है ओरिजिनल जो अपना दोस्त के लिए किसी के साथ भी लड़ता है। तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, भाई बहुत ही तगड़ा वीडियो डालता है, आप लोग जाके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है।